टीम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। चंपावत चाकू हमले में जख्मी एक और शख्स की मौत, हल्द्वानी एसटीएच भी तोड़ा दम। चंपावत चाकू हमले में जख्मी एक और शख्स की हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हो गई। हमले में अभी तक दो लोगों की मौत हो चुकी है जबकि दो लोगों का उपचार चल रहा है। 82 साल के हुए भक्तदास शुभकामनाएं देने के लिए लगा वीवीआईपी का तांता। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड राजनीति के पुरोधा हैं। आज भगत सिंह कोश्यारी का जन्मदिन है। इस खास मौके पर हर कोई भक्तदास को शुभकामनाएं दे रहा है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषित किए कैंडिडेट लखपत पुटोला, काजी निजामुद्दीन पर खेला दाव। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव को लेकर जोरों पर है बीजेपी। पहले भी दोनों उपचुनावों के लिए कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। आज कांग्रेस ने भी बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में सीमित कार्रवाई पर भड़का जन संघर्ष मोर्चा, पेलवा समिति की जांच रिपोर्ट सदन में रखने की मांग। नाबालिग दूल्हा दुल्हन की हो रही थी शादी, तभी पहुंच गई पुलिस। पिथौरागढ़ पुलिस को बाल विवाह की भनक लगते ही टीम ने सक्रियता दिखाते हुए विवाह को रोका, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग करवाई। दोनों पक्षों ने कहा कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी और अब दोनों के बालिग होने के बाद शादी की जाएगी। केदारनाथ आपदा की बरसी पर दिवंगतों को अर्पित की श्रद्धा सुमन, बाबा केदार से की प्रार्थना। केदारनाथ आपदा के 11 वर्ष के मौके पर दिवंगत के प्रति शोक संवेदना जताए गए। मंदिर समिति, तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों ने केदारनाथ में दिवंगतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद किया। उत्तराखंड में सिर्फ कहने को आपदा प्रबंधन विभाग मानसून से पहले यूएसडीएमए में इस्तीफे का दौर जारी। मानसून सीजन से पहले उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग में इस्तीफों का दौर जारी है, जिससे आने वाले मानसून सीजन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि मानसून सीजन में आपदा प्रदेश में कहर बनकर टूटती है। उत्तराखंड में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई ईद उल अज़हा की नमाज, देश में सुख शांति के लिए प्रार्थना। यूकेडी ने बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में ठोकी ताल, बच्ची राम उनियाल को बनाया प्रत्याशी। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए यूकेडी ने बच्ची राम उनियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। यूकेडी का कहना है कि पार्टी उपचुनाव में जनता के बीच आकर भाजपा की जन विरोधी नीतियों को सामने रखेगी। तेज रफ्तार बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल, पहले भी हो चुके हादसे। श्रीनगर में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। चालदा महासू महाराज की प्रवास यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 साल के लिए दोहा गाँव पहुँचे भगवान। गंगा दशहरा मेले के दौरान सिरफिरे ने पंचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में की फायरिंग, लक्सर पुलिस ने दबोचा, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार के लक्सर में मनबड़ों के हौसले बढ़ गए हैं। गंगा दशहरा मेले के दौरान प्राचीन पंचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक सिरफिरे युवक ने तमंचे से फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही मेले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने आम जनता की मदद से तमंचेधारी युवक को पकड़ लिया। रुद्रप्रयाग टेम्पो ट्रैवलर हादसे में एक्शन टूर ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 15 यात्रियों की हुई मौत। रुद्रप्रयाग टेम्पो ट्रैवलर सड़क हादसे में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मामले में टूर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सहायक संभागीय परिवर्तन अधिकारी प्रमोद कर्नाटकी ने रुद्रप्रयाग थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पहली बार आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज, सीएम धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 21 जून को पार्वती सरोवर से योग दिवस का शुभारंभ करेंगे। आयुष विभाग भव्य कार्यक्रम के लिए तैयारियों में जुटा है। नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस वजह से हो गए नाराज, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सोमवार को पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, इससे पूर्व कैलखान से आते वक्त मुख्यमंत्री ने भवाली मार्ग से बलिया नाला का भी निरीक्षण किया। शादी के 9 दिन बाद ही छूटा पति पत्नी का साथ, मां पूछ रही है कहां है बेटा, सैनिक भाई के सामने तोड़ा दम।